संसद में मसला उठने से पहले जब मेरी पार्टी के एमपीज की मीटिंग हुई थी उसमें मैंने बड़ी कठोरता के साथ ऐसे शब्द प्रयोग ऐसी भाषा का प्रयोग न करने पर हिदायत भी दी थी, अपनी नाराजगी भी प्रकट की थी और कोई भी ऐसी चीजों को अप्रूव नहीं कर सकता है। बाद में मंत्रीश्री ने माफी मांगी है, मंत्रीश्री नए भी है, उनके सामाजिक बैकग्राउंड को भी हम जानते हैं, गांव से हैं और उन्होंने क्षमा मांगी है और इस सदन में वरिष्ठ जनों का ये कर्तव्य रहता है कि इतने बड़े सदन के सामने हमारा एक साथी जब क्षमा मांगता है तो हमने भी उदारता बतानी चाहिए। मैं लोकसभा के सभी सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने सदन को चलने दिया है और मैं इस बात पर पूरे सदन को भी और हम सबका सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं ये दायित्व मानता हूं। मर्यादाओं को हम सबने स्वीकार करना चाहिए और उन मर्यादा में रह करके ही अपनी बातें चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो हमने बोलनी चाहिए और उसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है। और मैं मानता हूं कि जब मंत्री श्री ने क्षमा मांगी है और एक नए मंत्री तो सभी वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने अपने दल के लोग जो वहां बैठे हैं उनको भी अनुरोध करना चाहिए और इस विषय को समाप्त करके देशहित में अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए।